तेरी गली में मुनिया हम बहुत सारी आत्माओं को मोक्ष दिला पाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू विल फाइन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोन बूथ ट्रेलर के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार दर्शक द्वारा बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच भूतिया कॉमेडी लेकर गुरमीत सिंह आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी फोन बूथ का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी पर एक नजर डाले तो कुछ मोक्ष कुछ मकसद जैसी कहानी दिख रही है। साथ ही कुछ लोगों को भूतों से पैसा कमाने का एक मौका हाथ लग गया है। यह सब आपको काफी हंसाने वाला है। फोन बूथ फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने जा रही है, जिसमें आपको भरपूर कॉमेडी और मजाकिया हॉरर स्टोरी देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें आपको कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ईशान खट्टर, जैकी श्रॉफ, कुलदीप कुशवाहा मुख्य भूमिका में देखने को मिलने वाले हैं। गुरमीत सिंह ने फोन बूथ फिल्म को डायरेक्टर किया है और जसविंदर बाथ और रवि शंकरन ने फिल्म की कहानी को लिखा है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टार ऑफ फिल्म फोन बूथ का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मोशन पोस्टर और फिल्म का टीचर रिलीज करने के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता काफी अधिक बढ़ चुकी थी, लेकिन अब रिलीज डेट और ट्रेलर के सामने आने के बाद यह उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। थोड़ी और जानकारी देते हुए बता दें कि फोन बूथ फिल्म 90 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है, लेकिन इस बजट की अभी कोई पुष्टि नहीं की है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फिल्म को दर्शक पसंद करते हैं या फिर नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी या फिर फ्लॉप, इन सभी सवालों के जवाब आपको 4 नवंबर 2022 को थिएटर पर रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। आपको फिल्म का ट्रेलर पसंद आया या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। हर दिन कुछ नया रिव्यू देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।